हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 16 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th, हमारी डेट ऑफ 11th अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो हमने अब तक कॉम्बिनेशन कर ली है और जो डिकम्पोजिशन है वो कर ली है। ठीक है, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन भी कंबाइन करते हैं, डिकम्पोजिशन में उनको तोड़ते हैं। आज डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब जहाँ पर अपनी प्लेसेस चेंज करेंगे जो हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एलिमेंट्स है वो किस तरीके से, कौन सा है कि ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, कौन बहुत ज़्यादा कम करता है, तो उसके लिए ये टेबल है। ठीक है, जैसे ये पोटेशियम, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। सोडियम और पोटेशियम हमने पढ़ा है ना कि उसको हम कभी एयर में खुला नहीं छोड़ते, है ना, वो बहुत ज़्यादा एयर के साथ भी वो रिएक्ट कर जाता है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद आता है तीसरे पे कैल्शियम रिएक्टिव है, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर। ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। देखो सिल्वर सबसे कम यहाँ पे रिएक्टिव है, क्योंकि आपने देखा होगा आप चांदी की पायल वगैरह, हम बहुत सारे गहने पहनते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो बहुत कम रिएक्टिव होते, रिएक्टिव ही नहीं होते, इसलिए हम उनको पहन सकते हैं। तो ये रिएक्टिव सीरीज दे रखी है, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स। ये रिएक्टिविटी सीरीज है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये सबसे कम रिएक्टिव है, यहाँ पे रिएक्टिविटी घटती जाती है। तो इसको याद करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन जाता है आपका, तो इसको याद करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा आपको क्या दे रखा है, एक छोटी सी ट्रिक आपको दे रखी है। जैसे यहाँ पे लिखा है काशीनाथ का माली आलू जरा फेंके पकाता है, ठीक है, फीके पकाता है क्योंकि होगा एज्ड, मतलब बूढ़ा होगा, एज्ड होगा। तो इसको आप याद कर लो, इससे आपको सारा याद हो जाएगा। काशीनाथ का माली आलू जरा फेंके पकाता है क्योंकि होगा एज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे के से काशी, मतलब के पोटेशियम, एन ए सोडियम, कैल्शियम का कैल्शियम, ठीक है, एम जी, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, जेड से जिंक, एफ से एफई आयरन, पी से पीबी लेड, एच से हाइड्रोजन, क्योंकि क्यू मतलब सी यू कॉपर, ठीक है, होगा एच जी, एज्ड ए जी। ठीक है, ये आपका ट्रिक है जिससे आप इनको याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, वो ये वो केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर एक से ज़्यादा जो हमारे रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो जगह अपनी पोजीशन डिस्प्लेस कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं एक रेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कंपाउंड में से जो कम रिएक्टिव होता है उसकी जगह ले लेते हैं ज़्यादा रिएक्टिव वाले। एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पे, When iron nails are dipped in copper sulfate solution, जब iron nails को हम copper sulfate solution में डुबोते हैं तो कुछ time बाद जो copper deposit है iron nails में वो क्या हो जाता है, color change हो जाता है solution का, किसमें जो blue है blue से light green हो जाता है change, ठीक है, color change हो जाता है। जैसे यहाँ पे Fe है, ये CuSO4 के साथ जब react करेगा, देखो तो यहाँ पे Fe इसकी जगह ले लेगा Cu की, ठीक है ना, देखो Fe यहाँ पर है, Cu यहाँ है, Fe ज़्यादा रिएक्टिव है ना क्योंकि ये ऊपर है, जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये Cu की जगह ले लेगा। मैंने बोला है जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिंग वाले की जगह ले लेगा, तो ये इसकी जगह ले लेता है और ये FeSO4 बन जाता है, ठीक है, कॉपर अलग हो जाता है। तो यहाँ पे ये ब्लू कलर था, अब ये लाइट ग्रीन हो चुका है, तो यहाँ पे कलर चेंज का भी अगर आपसे पूछा जाए कि एक केमिकल इक्वेशन लिखो जिसमें कलर चेंज हो रहा है, हमने लिखे भी थे, ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपका, जब जिंक को हम डिप करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कौन सी रिएक्शन होती है, यहाँ पे देखो ZN को हमने डिप किया CuSO4 में, तो ZN ने क्या हुआ, इसकी जगह ले ली क्योंकि ZN भी ऊपर है Cu से, ठीक है ना, इससे ऊपर है ZN भी, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसने इसकी जगह ले ली, ZnSO4 बन गया और कॉपर हमारा अलग निकल गया, ठीक है। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस है जिसके अंदर एक्सचेंज होते हैं आयंस, आयन एक्सचेंज होते हैं रिएक्टेंट्स के बीच में, उनको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसके अंदर ही हमारा एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ जाती है, मतलब क्या होता है इसके अंदर, जब मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं, जब हमने सोडियम सल्फेट
सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन मिलाया किसके साथ, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, तो हमने देखा एक वाइट कलर का सब्सटेंस बनता है जो पानी में घुलता नहीं है, इनसोल्यूबल है पानी में, ठीक है। तो जो ये इनसोल्यूबल चीज़ जो ये सब्सटेंस बना है वो होता है प्रेसिपिटेट, और जो कोई रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट बनाती है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो प्रेसिपिटेट बनाती है वो होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जो यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट है BaSO4 का, वो बनता है किसकी रिएक्शन की वजह से, SO4 यहाँ पे आपका आयन क्या है 2 नेगेटिव है और Ba2 पॉजिटिव, इसकी आयन्स की वजह से यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, BaSO4 बनाता है, ठीक है। जो अदर प्रोडक्ट है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये प्रेसिपिटेट बनाएगा जब हम इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे, तो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट जो बनता है जो पानी के अंदर घुलता नहीं है, उस ऐसी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो आज की वर्कशीट में आपके ये कुछ 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक एक करके इनको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, MCQs है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, तीसरा आपको लिखना है। तो पहला है आइडेंटिफाई द मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो पेयर, आपको इनमें से मोर रिएक्टिव एलिमेंट बताना है कौन सा है। NaMg है, AlCU है, ZnAl है, FeCu है। यहाँ पे देखो Na सबसे ज़्यादा ऊपर टॉप में आता है ना, के बाद पोटेशियम के बाद तो Na आता है, उसके बाद ही ये सारे आते हैं, तो बाकी ऑप्शन मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो फर्स्ट ऑप्शन है ये मेरा आंसर हो जाएगा, दिस इज आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये आपका आंसर है ए पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट का, ठीक है। आगे आपका सेकंड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। अदिति डिप्ड आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, के अंदर अदिति ने कुछ आयरन नेल्स डाल दिए हैं, तबस्सुम ने जो कॉपर वायर है उसमें से वो क्या कर दिया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन डिप कर दिया है, ठीक है, इनटू आएगा यहाँ पे, उसके अंदर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर वायर डिप कर दिया, उसने डुबोए हैं। कुछ टाइम बाद देखा उसने, अदिति ने ऑब्जर्व किया, जो कॉपर है डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल, वो आयरन की नेल है जो कीले हैं उस पर जम गया है, और जो कलर है सॉल्यूशन का वो भी अब चेंज हो गया है। तो तबस्सुम ने ऑब्जर्व किया कोई डिपॉजिट कॉपर वायर पर नहीं हुआ और कोई चेंज नहीं कलर हुआ कॉपर वायर का। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कॉपर डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल बिकॉज, क्यों बनता है, क्योंकि आयरन नेल के ऊपर कॉपर क्यों डिपॉजिट हुआ, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है, किस लिए, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, है ना। तो ये आप लिखोगे आयरन इज मोर रिएक्टिव, फर्स्ट का आंसर क्या है, Na और Mg है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन और कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद है व्हाट कलर चेंज अदिति ऑब्जर्व, क्या कलर चेंज हुआ, रेड से ग्रीन हो गया, ब्लू से लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन से ब्लू, या येलो से ग्रीन, अभी हमने ऊपर किया था ना, ये वही है, ब्लू से लाइट ग्रीन हो गया, ठीक है। तो ये आपको 3 MCQs दिए थे, ये हमें कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज की वर्कशीट का वो हम करते हैं। क्वेश्चन है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी दे लेते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, पहले आंसर मिल गया ना आपको, चलिए देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के साथ। तो देखो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर जो प्रेसिपिटेट बनता है इज आल्सो नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देते हैं। एग्जाम्पल जब सोडियम है वो बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, जब बैरियम क्लोराइड का वो रिएक्ट करता है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट के साथ, ठीक है। देखो किसका सॉल्यूशन है, एक हमारे पास सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट का, तो उसके अंदर जब हम उसको बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, बैरियम सल्फेट का, जो इनसोल्यूबल होता है पानी में नहीं घुलता है, ठीक है, इज फॉर्म अलोंग विद सोडियम क्लोराइड, किसके साथ बनता है, सोडियम क्लोराइड के साथ बनता है। तो यहाँ पे ये हमारी रिएक्शन है BaCl2NO2SO4 के साथ बनता है, तो ये BaSO4 है ना, ये एक वाइट प्रेसिपिटेट होगा, वाइट कलर का चीज़ बनेगी यहाँ पे, जो कि पानी में घुलता भी नहीं है और NaCl हमारा अलग रह जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 3 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, पहले आपके MCQs थे पहले दोनों क्वेश्चन में जिसके आंसर हम कर चुके हैं, और तीसरा आपका ये क्वेश्चन था जो आपको लिखना था। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चाहे
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन, टेक केयर, बाय बाय।